जैसे कि ग्लूकोज का एग्जांपल ले सकते हैं डी और एल फॉर्म में, ठीक है। डी ग्लूकोज देखा होगा आपने, डी ग्लूकोज पढ़ा है, और एल ग्लूकोज, ग्लूकोज की भी दो फॉर्म होती हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, ठीक है। एक ग्लूकोज राइट ही खेलता है और एक ग्लूकोज लेफ्ट ही खेलता है। समझ में आ गया? इसकी स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। ये रेस कर दूं ना, इसकी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये कौन सी फॉर्म है, डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। क्यों हम उसको डी ग्लूकोज कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? अब देखो अगर इसकी मिरर इमेज आप देखें, मिरर इमेज में क्या होगा, सब इसका उल्टा हो जाएगा। देखो इस स्ट्रक्चर को, अब इसमें आप क्या अंदाजा लगाओगे मुझे ये बताओ। कैसे अंदाजा लगाओगे कि कौन सी डी फॉर्म है, कौन सी एल फॉर्म है? ये तो मैंने लिख दिया यार डी फॉर्म, लेकिन पता कैसे लगा कि ये डी फॉर्म ही है? क्या कह रहे हो आप? जो ज्यादा होगा जिस तरफ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहां पर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो है डी फॉर्म है और ये जो है एल फॉर्म है? चलो राइट देख लेते हैं, यहाँ ओ एच ग्रुप है, इधर भी तो ओ एच ग्रुप है, ये है एक। अगर आप लेफ्ट देख रहे हो तो इधर ओएच ग्रुप है, इधर भी है। कैसी वैलेंसी, किसकी वैलेंसी? कार्बन की चार वैलेंसी है फिलहाल यहाँ। सीएचओ ग्रुप ऊपर है, ये तो बेचारा वहीं है, सिर है। आप ये कहना चाह रहे हो कि ओएच की जिधर ज्यादा वैलेंसी हो, मतलब जिधर ज्यादा संख्या होगी। चलो नंबर दे लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। चलो तुम्हें अगर आता है तो तुम समझा दो मिताली, तो बता दो। मैं वही तो कह रहा, आ जाओ। नहीं नहीं आ जाओ एक बार, प्लीज आ जाइए एक बार। क्या समझाना चाह रहे हो आप?